आपको जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और उसके पास जो बेल लगी हुई है उसे भी दबाइए। हेलो दोस्तों, आज हम छोले भटूरे बनाने जा रहे हैं। छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी छोले ले लिए, उनको रात को भिगो कर पानी में रख दिया है जिससे कि वो फूल कर बड़े हो जाते हैं, नहीं तो वो अच्छे से फूल नहीं पाते हैं, इसे आप इसको रात को ही भिगो दीजिए। उसके अलावा मैंने लिए हैं 2 आलू, 3 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च के 2 पीस और हरा धनिया, और खटाई के लिए मैंने ली है इमली जो कि मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो दी है। अब मैं सबसे पहले अपने पैन को गर्म करने के लिए, कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया। गर्म करने के बाद अब मैं इसके अंदर छोले डालूंगी। कुछ लोगों को छोले के अंदर कलर पसंद होता है तो उसके लिए आप इसके अंदर टी पैक डाल के इसको कुकर के ऊपर चढ़ा दीजिए तो इसके अंदर कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं अपने आलू भी इसके अंदर उबालने के लिए डाल दूंगी और इसके अंदर आप नमक डाल दीजिए जिससे कि हमारा जो नमक है वो इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए और छोले अच्छे से पककर तैयार हो जाए। अब इसको आप इतना पानी डाल दिए कि अच्छे से डूब जाए और इसको 4 सीटी आने तक उबालिए। सो मैंने डाल दिया, अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और 4 सीटी आने तक उबालूंगी। बनाने के लिए हमें इन सामान की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप 3 से 4 बाउल मैदा ले लीजिए और नमक स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए, सूजी 2 छोटे टेबल स्पून सूजी ले लीजिए, दही 1 बाउल दही ले लीजिए, चीनी 2 छोटे चम्मच चीनी ले लीजिए और बेकिंग पाउडर और तेल। इन सब की सहायता से मैं भटूरे बनाऊंगी। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो मैदा लिया है उसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। सबसे पहले नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैंने नमक डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगी। सूजी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि हल्के, जब हम इनको तलें तो ये हल्के कुरकुरे रहे और ये मैदा डालने से ये लंबे समय तक फूले हुए नहीं रहते। सूजी डालने से ये थोड़े कुरकुरे हो जाते हैं और लंबे समय तक फूले हुए रहते हैं। बेकिंग पाउडर डाल दूंगी मैं इसके अंदर, उसके बाद चीनी डाल दूंगी, चीनी भी आप डाल दीजिए अच्छे से। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब दही की सहायता से अब इसे गूंदिए। दही की सहायता से आप इसे हल्के हल्के हाथों से गूंदिए। थोड़े पानी की सहायता से आटे की दोई बना के तैयार कर लिए। जैसे ही हमारे आटे की दोई तैयार हो जाती है हम उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे कि मैं अपने हाथों के अंदर थोड़ा ऑयल ले लिया मैंने, अब मैं इसके ऊपर चारों तरफ अच्छे से लगा के इसको 2 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। ये मेरा कुकर ठंडा हो गया है और 4 सीटी आकर ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको खोलकर देखूंगी मैंने सीजे या नहीं सीजे छोले या आलू। इसको चेक करने के लिए आप चाकू की सहायता से ऐसे डाल के देख लीजिए, ये बिल्कुल सीज चुके हैं और मेरे छोले को भी आप आसानी से देख सकते हैं बिल्कुल सीज चुके हैं। अब मैं इनको आलू को छोल कर और इनको काट लूंगी और तब तक मैं तेल गर्म होने के लिए रख दिया। ऐसे पैन देख सकते हैं आप, पैन के अंदर मैं तेल डालूंगी 2 बड़े स्पून, आप इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए। ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब मैं तेल को गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर जीरे को फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। जीरे को आप अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई होने दीजिए। जैसे ही आपका जीरा गर्म हो जाता है आप उसके अंदर तेज पत्ता, देखिए मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाल दिया है, लौंग इलायची ये सब डाल के आप इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई होने दीजिए। लौंग इलायची थोड़ा फ्राई होने के बाद अब हम इसके अंदर हींग पाउडर डाल देंगे। ये मैंने इसके अंदर हींग पाउडर डाल दिया है। हींग पाउडर डालने के बाद अब हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो कि मैंने कट कर दी थी। अदरक थोड़ी सी फ्राई होने के बाद अब हम इसके अंदर मिर्ची डाल देंगे जो कि मैंने काट रखी थी। मिर्ची को लाइट फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे जो कि मैंने काट रखे थे। अब हम इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे और इसके अंदर नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार।
मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दीजिए जब तक कि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। ये मेरे टमाटर की ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, तेल भी टमाटर की ग्रेवी ने छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर सारे जो मैंने आलू काट कर रखे थे वो मैं अब इसके अंदर डालूंगी, और जो मेरे छोले सीज रखे थे वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डालूंगी। मसालों के अंदर अब मैं लाल मिर्ची डालूंगी 2 छोटे चम्मच, हरा धनिया डालूंगी 2 छोटे चम्मच, हल्दी पाउडर डालूंगी 1 छोटा चम्मच। इन सब को डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन सब को आप डालिए फिर अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको, अगर आपको छोले अगर थोड़े कड़े रह गए हो या फिर अच्छे से मैश नहीं हो पा रहे हो तो आप उसको थोड़े से दबाकर ऐसे मैश कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ग्रेवी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब आप इसके अंदर खटाई के लिए इमली का रस यूज में ले सकते हैं। जो मैंने इमली पहले भिजो रखी थी अब मैं उसको इसके अंदर ग्रेवी के अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी लचपची हो जाएगी और ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर जीरा पाउडर, जो जीरा पाउडर मैंने भून रखा था वो जीरा पाउडर डाला है, और काला नमक, ये मैं काला नमक इसके अंदर डाल दिया है, और गरम मसाला डालूंगी। अब मैं इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देर तक इन मसालों को पकने दूंगी, फिर मैं इस सब्जी को, मेरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी और मैं इसे गैस से नीचे उतारूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे हरे धनिए से गार्निश कर लूंगी। हरे धनिए की पत्तियों से आप इसको अच्छे से गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म भटूरों के साथ सर्व कीजिए। ये मैंने आटे की एक लोई बना ली, जैसे आप देख सकते हैं आटे की लोई बना ली है मैंने। अब मैं इसको पलोथन के अंदर लगा लूंगी। पलोथन लगाने के बाद अब मैं इसको पलटना स्टार्ट कर लूंगी। आप इसको राउंड राउंड हल्के हाथों से पलटिए। इसका लोई थोड़ा मोटा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पतला, एकदम पतला हो जाइए, नहीं तो फिर भटूरे हमारे फूल नहीं पाते और मुच्छी पक जाते हैं। इस प्रकार से आप बनिए। दूरा बनकर तैयार हो चुका, आप इस सब शेप में इसे बंट लीजिए अंडाकार शेप के अंदर। अब हम इसको तेल के अंदर डाल देंगे। तेल के अंदर आप इसे धीरे से डालिए और अब आप इसको फ्राई करने दीजिए। इस तरह से हमारा भटूरा फूल कर तैयार हो जाएगा। आप इसको धीमी धीमी आंच पर सेकिए और एक तरफ से सिकने के बाद आप इसे दूसरी तरफ पलट लीजिए। इस प्रकार हम भटूरे को धीमी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, और जैसे ही आपका भटूरा बनकर तैयार होगा हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरा भटूरा बनकर तैयार हो चुका, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। ये मैंने भटूरे को बाहर निकाल लिया है, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अभी अच्छे से पक चुका, अच्छे से फुला हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने सारे भटूरों को बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए छोले की सब्जी के साथ। ये मेरे गर्मा गर्म छोले भटूरे बनकर तैयार हैं। आप भी छोले भटूरे को बनाइए और अपने घर पर सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।